देखो सिंपल सा मतलब है टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का यह है पार्ट 1। अगर आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो मैं आगे भी और पार्ट्स लाने वाला हूँ। आप इस चैनल से कनेक्ट रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा। वैसे मेरे को समझाने का एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। और आज के ये पहले पार्ट की वीडियो के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है वो आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक लाइन कहना चाहता हूँ मैं, डोंट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। और ये लाइन हमारे प्यारे वॉरेन बफेट जी ने कही है कि आपको जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है उसमें पैसे लगाना बिल्कुल फालतू की चीज़ है। ठीक है, एक फंडामेंटल एनालिसिस का भी यही मतलब है। सिंपल सा मतलब यही है कि जब आपको यही नहीं पता है कि कंपनी बनाती क्या है, करती क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है, जब आप यही चीज़ नहीं करते हो, आप सीधा पैसे लगा देते हो, तो आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक गैम्बलिंग ही बना रहे हो। जैसे कि आजकल लोग सिंपली ट्रेडिंग का नाम सुन के ये कह देते हैं कि ट्रेडिंग एक सट्टा है, एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। तो सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आप कहीं सुनाई बातों को सुन के अगर आप मार्केट में पैसे लगा देते हो तो आप उसको अपने लिए जुआ ही बना रहे हो। उसमें आप कुछ सीख भी नहीं सकते हो क्योंकि उस चीज़ में क्या गारंटी है कि आपको रिटर्न मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सबसे बड़ा लॉस होने का मार्केट में रीज़न यही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनी बनाती क्या है, कहाँ बनाती है, क्या बनाती है, कितना बनाती है, किसको बेचती है, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। और सिंपल सी चीज़ें, आजकल ट्रेंडिंग में FNO इंट्राडे बहुत चल रहा है, तो उस चीज़ से तो दूर ही रहना क्योंकि भाई आप बहुत सारे पैसे लूज़ कर दोगे, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ मैं। इस वजह से आप इंट्राडे एंड FNO से तो अभी दूर ही रहना। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, और फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में ही काम आता है, ये पहले मैं बता दूं आपके। अब अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे आपको डेफिनेशन देना हो कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एक कंपनी को डीपली स्टडी करना, कंपनी क्या बनाती है, क्या करती है, लास्ट कितना प्रॉफिट करती है, कितना लॉस करती है, कहाँ बेचती है, कितना बेचती है, ये पूरी जो डिटेल स्टडी रहती है इसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हो कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती है अगर आप इसको कंबाइन कर देते हो टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता है, काफ़ी हद तक वर्क करता है वो, और काफ़ी लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे ही ट्रेडिंग करते हैं और वो सही भी होता है कभी कभार। लेकिन भाई ह्यूमन ब्रेन है, सब चीज़ सीख सकता है, तो क्यों ना ही फंडामेंटल एनालिसिस सीखें और दोनों को कंबाइन करके रखें। इससे आपकी प्रॉफिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस का बता दिया कि किसी भी कंपनी को डीपली स्टडी करना, सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो इस चीज़ की स्टडी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक कंपनी के पास जो है 50 करोड़ रुपये हैं बैंक में, और उस कंपनी के ऊपर 500 करोड़ रुपये की उधारी है, तो और 4 से 5 साल कंपनी की परफॉर्मेंस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 50 करोड़ रुपये कंपनी के बैंक में है, 500 करोड़ की उधारी है कंपनी के ऊपर, और पिछले 4 से 5 साल कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई ग्रोथ ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब 5 साल पहले जैसा कंपनी परफॉर्म कर रही थी वो आज के साल भी, आज की डेट में भी वैसा ही परफॉर्म कर रही है, और उसके ऊपर 500 करोड़ का उधारी भी है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए है, तो सबसे पहली बात है कि वो अपनी उधारी ही नहीं चुका पाएगी, तो भाई आपको प्रॉफिट कैसे कमा के देगी। तो आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, अगर आपको सिर्फ इतना ही आइडिया हो जाए कंपनी के बारे में कि भाई इस कंपनी के पास कैपिटल इतना है, इसका डेप्थ इतना है, तो आप उसमें पैसा क्यों ही लगाओगे, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए है कमेंट सेक्शन में, कि आप मुझे बताओ कि अगर आपको सिर्फ इतनी ही डिटेल मिल जाए कि भाई कंपनी के पास कैपिटल ही नहीं है और कंपनी के ऊपर इतना बड़ा डेब्ट है, तो कंपनी कैसे आपको प्रॉफिट देगी। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता चलने के बाद आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं। आंसर मुझे पता है, लेकिन जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है, तो फटाफट से कमेंट करके मुझे आंसर बता दो इसका। तो चीज़ें एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्क्रीनर की ज़रूरत होगी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल क्रोम में जाके स्क्रीनर लिखना है, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको आपको ओपन कर लेना है। बस आपको वेबसाइट तो मेन खुल गई है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आपको जिस कंपनी को एनालाइज करना है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे RVNL। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल एक नॉर्मल स्टॉक का नाम लिख रहा हूँ। ये हम आ गए हैं वेबसाइट में। एक सिंपल सी चीज़ है, हम चलते हैं यहाँ पे सबसे नीचे और जाएंगे सीधा कंपनी की बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम दो चीज़ें नज़र में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे रिज़र्व हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई बोरिंग। रिज़र्व वो हो गया जो कंपनी के पास कैपिटल है,
दूसरी चीज़ हो गई बोरोइंग, जो कि कंपनी के ऊपर उधारी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्च 2015 से लेकर सितंबर 2023 तक देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2023 तक ही अवेलेबल है शायद ये। तो हम यहाँ पे अगर रिजर्व देख, तो देखो हर एक साल में यहाँ पे कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और फाइनली सितंबर 2023 में यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो 5823 करोड़ है, ठीक है, ये करोड़ में दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बोरोइंग भी कंपनी की बढ़ रही है, और कुल मिला के जितना कंपनी का रिजर्व है उतनी ही कंपनी की यहाँ पे बोरोइंग भी है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5981 करोड़ जो है कंपनी के ऊपर बोरोइंग है या फिर कंपनी के ऊपर लोन है, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ बता दूं कि जो कंपनी की बोरोइंग और जो रिजर्व है ये हर चीज़ में आपको ये नहीं दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा लोन है या फिर कंपनी लॉस में जाने वाली है। गवर्नमेंट कंपनियां मोस्टली कंपनीज जो है बोरोइंग क्यों करती है, ताकि वो कुछ डेवलपमेंट कर सके अपनी कंपनी में, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कोई भी कंपनी में यहाँ पे देखते हो कि बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। वो चीज़ कंपनी के ऊपर और सेक्टर वाइज भी डिपेंड करता है। हम यहाँ पे RVNL देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये रेलवे की कंपनी है, और मोस्टली सबसे बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अब रेलवे की बात है सबसे बड़ी, इसका कोई कंपटीशन नहीं है अभी फिलहाल मार्केट में, तो सबसे बड़ी मोनोपोली इसकी तो यही है। मोनोपोली भी एक सबसे बड़ा वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस में कि कॉम्पिटिटर का कैसा परफॉर्मेंस है मार्केट में। आप सबसे पहली बात कि रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो मार्केट तो रेलवे ने लोन ही इस वजह से लिया होगा कि कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है इस चीज़ में, ठीक है। मतलब लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 20.3% का जो है रिटर्न दिया है, ठीक है। लेकिन आप कॉन्स भी बात करें, कॉन्स की मतलब नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। ये प्रोस है और ये कॉन्स है, कॉन्स मतलब नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे आप नीचे पढ़ोगे तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं, उतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। हम सीधा चल लेते हैं बैलेंस शीट में यहाँ के, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप जैसे देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व और कंपनी का लोन दोनों ही जो है बराबर है, मतलब जितना कंपनी का रिजर्व है उतना ही कंपनी के ऊपर लोन है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर हम वापस चलते हैं यहाँ पे, और अब देखो दूसरी चीज़ ये यहाँ पे रह जाती है कि आपको चीज़ें लिंक भी करनी है यहाँ पे। अब ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अभी जैसे रेलवे की बात करी, ठीक है। तो अब रेलवे अगर जैसे कुछ डेवलपमेंट करने वाला है तो सिंपल सी चीज़ है कि उस चीज़ में कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होने वाला है। तो यहाँ पे हम अभी एक दूसरी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप एस भी लिख सकते हो इसमें। अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको वेबसाइट में समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी एक्चुअली में करती क्या है, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको जो नाम दिख रहा है उसके नीचे आपको एक हाइपरलिंक भी नीचे दिख रही है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको मेन कंपनी की जो है वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे जो इंटरफेस देख कर ही समझ में आ रहा है कि कंपनी एक्चुअली में है क्या और करती क्या है। सिंपल सी चीज़ है कि कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसा कि हमको स्क्रीन में देख के समझ में आ रहा है। और सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको समझना है तो कंपनी में क्लिक करके कंपनी के प्रोफाइल में क्लिक कर दो, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, इंडियाज़ नंबर वन क्रेन ब्रांड, मतलब ये एक क्रेन ब्रांड है और सिंपल सी चीज़ है कंस्ट्रक्शन ब्रांड है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन ब्रांड है। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ कंस्ट्रक्शन की कंपनीज में अगर हैवी जो है डेट है, तो सिंपल सी चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारा डेवलपमेंट करने वाली है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज का भी जो है प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी ये है, इसका आप ग्राफ देख सकते हैं टाइम बाय टाइम ऊपर जा रहा है। हम आ जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में, जो कि हमको जो है कंपेयर करना है हमारी लास्ट कंपनीज में। तो हम भी यहाँ पे रिजर्व एंड बोरिंग चेक करेंगे, तो कंपनी का रिजर्व जो है टाइम बाय टाइम अच्छा बढ़ता जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। और करंट लास्ट ईयर सितंबर में 1021 करोड़ का यहाँ पे जो है रिजर्व है। बात करें बोरोइंग की, तो कंपनी की बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जो है 61 करोड़ की यहाँ पे जो है कंपनी की बोरोइंग है। आप जैसे देख सकते हैं कि कंपनी का टर्नओवर ही यहाँ पे 1021 करोड़ का है, तो ये 61 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पे कुछ भी नहीं हुई। कंपनी जब चाहे ये 61 करोड़ की बोरोइंग जो है चुका सकती है। और कंपनी के अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम यहाँ पे चार्ट भी देख लेते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट बहुत अच्छे तरीके से ऊपर भी जा रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप थोड़ा ध्यान में रखें, थोड़ी सी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ें जैसे समझ में आए कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसके हिसाब से आप जो है पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी डिटेल स्टडीज़ के ऊपर होती है, जैसे आप इक्विपमेंट्स में क्लिक करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी कंपनी के बारे में। और अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, जो कि हम सिर्फ बैलेंस शीट में जाके रिजर्व एंड जो है बोरोइंग ही देख रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ आती है, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट छोड़ दिया है, और जो मैंने पास्ट अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें तो अभी हमने नोटिस करी ही नहीं है।
ये पहला पार्ट वन है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो अभी इसको सिर्फ इतना ही बताता हूँ और थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने तो एक एग्जांपल देख के समझ लिया कि हमने कंपनी का रिजर्व और डेप्थ हमने एनालाइज किया और उसके हिसाब से हमने देखा कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम मान ले APS हो गया, स्टॉक्स हो गया, PE हो गया, ROCE हो गया, ROE हो गया, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही, ये हमारा पहला पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। अब देखो, जो लोग भी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है सिर्फ वही लोग यहाँ तक देख रहे होंगे और मेरी बातों को सुन रहे होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इतनी अगर वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाती है तो भाई कुछ 10% या 1% लोग ही रह जाते हैं वीडियो में। तो मेरी बात थोड़ी तो बोरिंग लग रही होगी, लेकिन ये बात ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, पैसा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है और एट दी एंड पैसा आपको ही लगाना है। आप कहीं से भी सीख लो, या आप टिप के ऊपर काम करो, या आप एनालाइज करके काम करो, पैसा आपको ही लगाना है। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ना एनालाइज करके ही पैसा लगाओ आप। अगर आप एनालाइज करके पैसा लगाते हो और उसके बाद भी आपको लॉस हो जाता है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपको उससे आप उससे कुछ सीखोगे ही, क्योंकि आपने एनालाइज करके पैसा लगाया तो आपको ये तो ये आपको एक क्यूरियोसिटी होगी अंदर से कि यार मैंने क्या गलत कर दिया है। और सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं उसको उल्टा बोलूं कि अगर आप किसी टिप में आपको कहीं से सुनाई में आए कि ये शेयर या ये स्टॉक जो है बढ़ने वाला है, तो आपको कुछ सीखने भी नहीं मिलेगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ रिटर्न भी मिलने वाला है। तो मेरी एक बात सिंपल सी है कि पैसा लगा रहे हो तो कुछ चीज़ें सीख के लगाओ, कुछ चीज़ें समझ के लगाओ, कुछ चीज़ें पता करके लगाओ। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आगे आने वाली हैं वो मैंने आपको बता दिया एक छोटे से एग्जांपल के साथ, कि जो आपको स्टार्टिंग में जो है नोटिस करना है कंपनी के बारे में। और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको एक एग्जांपल छोटा सा, मतलब प्रैक्टिकली वो चीज़ मैं आपको करके बताऊं। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, मैं भी चाहता हूँ एट दी एंड यही कहूँगा, मेहनत करते रहो, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों में पैसा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस होगा तो जिसने आपको टिप दी है वो आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं करेगा। तो बस इतना ही बोलना था, बाकी आगे आप खुद समझदार हो। मैं चलता हूँ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।